चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बदल डालेंगे परंपरा। फांसी तभी जब सारी उम्मीदें खत्म। सीजीआई ने मृत्यु दंड पर खींची पड़ी लकीर। सीजीआई चंद्रचूड़ अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए मशहूर है। महिलाओं के हक में दिए गए कई फैसलों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। समलैंगिक लोगों के हक में फैसले देने के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। लेकिन अब एक फैसले के बाद वह विवादों में घिरते दिख रहे हैं। एक ऐसे शख्स की फांसी की सजा माफ कर दी जो जगन अपराधी है। हालांकि उसकी सजा को 20 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया। आखिर किसकी सजा सीजीआई ने माफ कर दी? उसका क्या अपराध था? मौत की सजा को लेकर देश में क्या प्रावधान है? उसको लेकर क्या विवाद है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सीजीआई ने किसकी सजा माफ की? उसका क्या अपराध था? मृत्युदंड यानी मौत की सजा जघन्यतम आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध होने के बाद मिलती है। सजाए मौत किसी न्यायालय द्वारा किसी दोषी को दिया जाने वाला सबसे उच्चतम और कठोरतम दंड है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को सुंदर राजन नाम के शख्स की मौत की सजा घटा दी, 20 साल की कैद में तब्दील कर दिया। सुंदर राजन को साल 2009 में 7 साल के नाबालिग के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया था और सजाए मौत दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए सुंदर राजन की सजा को बरकरार रखा, लेकिन मौत की सजा को घटाकर 20 साल की सजा में तब्दील कर दिया। हम उसके अपराध पर संदेह नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मृत्युदंड का सजा याफ्ता है। मोहम्मद आरिफ जजमेंट के आधार पर याचिकाकर्ता की दोष सिद्ध पर फिर से विचार करने की याचिका पर खुली अदालत में समीक्षा होनी चाहिए। हम याचिकाकर्ता के अपराध पर संदेह करने का कारण नहीं देखते, लेकिन मौत की सजा को 20 साल की कैद में बदलते हैं। 10 साल पहले रिव्यू पिटीशन कर दिया था खारिज, लेकिन 2018 के जजमेंट ने बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में 20 मार्च 2013 को रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी और मौत की सजा को बरकरार रखा था। बाद में मोहम्मद आरिफ जजमेंट के बाद 2018 में उस आदेश को वापस ले लिया गया था, क्योंकि मोहम्मद आरिफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मृत्युदंड से जुड़ी रिव्यू पिटीशन को खुले अदालत में सुना जाना चाहिए। मृत्युदंड को लेकर क्या है कानून? जघन्यतम आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद मिलती है। सजाए मौत किसी न्यायालय द्वारा किसी दोषी को दिया जाने वाला सबसे उच्चतम और कठोरतम दंड है। भारत में मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों तक सीमित है। उदाहरण के तौर पर भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 121 और धारा 302 के तहत आने वाले मामले, IPC की धारा 121 के तहत राज्य के विरुद्ध हथियार उठाने जैसे संगीन मामले आते हैं। इसी तरह 302 के तहत हत्या जैसे जघन्य अपराध होते हैं। साल 1980 के बहुचर्चित बच्चन सिंह बनाम पंजाब स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिटिगेटिंग और एग्रीगेटिंग परिस्थितियों को एक दूसरे के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प बचा ही न हो। इसी तरह साल 2021 में मोफिल खान बनाम झारखंड स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था राज्य का कर्तव्य कि वह यह साबित करने हेतु साक्ष्य हासिल करे कि दोषी के पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, यानी उसके सुधरने के कोई उपाय नहीं है। मृत्यु दंड से बचने के क्या हैं उपाय? CRPC 1973 की धारा 354 के तहत न्यायालयों को मृत्युदंड देने के कारण जो लिखित रूप से बताना अनिवार्य है, यदि सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो फैसले में लिखना पड़ता है कि मामले को आखिर क्यों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना गया। यदि सेशन जज मृत्युदंड की सजा सुना दे तो उसे तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक हाईकोर्ट मंजूरी न दे दे। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट में अपील की प्रक्रिया को रेफरेंस कहते हैं। अगर हाईकोर्ट यह मानता है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और मौत की सजा जायज है, तब अभियुक्त हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी अर्जी खारिज हो जाती है तो जिस राज्य की अदालत ने फैसला दिया उसके राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड माफ करने की अर्जी दी जा सकती है। जब तक अर्जी पर फैसला ना आ जाए तब तक दोषी को सजा नहीं दी जा सकती है।